नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के रोशनाबाद हरिद्वार स्थित आवास पर जाकर टोक्यो ओलंपिक में वंदना के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का चेक भी दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वंदना कटारिया को तीनू रतौली पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके तहत उन्हें 31,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र भी दिया है। वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। उत्तराखंड की बेटी ने एक मैच में हैट्रिक बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने वंदना को आगे भी इसी मनोबल से खेलने के लिए प्रेरित किया। खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, इसके लिए राज्य में नई खेल नीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने वंदना कटारिया के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। तो सीएम ने वंदना कटारिया को सम्मानित किया है, तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरे यार मोबाइल तो पीछे करो, बाइट ही नहीं हो रही यार। और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बढ़ाया है, जिससे कि वो वंदना हमारे यहाँ की ऐसी बच्चियाँ जो समाज के बहुत दूर क्षेत्रों में रहती हैं, बहुत अभाव में रहती हैं, बहुत कमी में रहती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और अपने अपने साथ साथ सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। मतलब अपने इतने बिजी टाइम से निकल के वो यहाँ पे आए, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मतलब मैं चाहती थी कि मुझे वो मान सम्मान मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा मान सम्मान किया है, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या क्या घोषणा करते थे मुख्यमंत्री, क्या क्या बात हुई आपकी? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है घोषणा की, जस्ट उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया मैंने उसकी रिस्पेक्ट की, उसे रखा और उन्होंने बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले कहा था मकान की दिक्कत है, मकान के बारे में कोई बात हुई मुख्यमंत्री से? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कुछ ऐसी मतलब वो बात नहीं हुई है कि मकान के लिए, बस मैंने उनको बोला था एक बार तो उनको मैंने बताई है वो बात के लिए। अच्छा, आपको कुछ धनराशि का चेक भी दिया गया है आपको सरकार द्वारा, क्या आप क्या? हाँ जी, उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे चेक दिया, उसके लिए 25 लाख। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल की हैट्रिक लगाने वाली हरिद्वार की बेटी वंदना कटारी को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर वंदना कटारिया को शुभकामनाएं दी हैं। इसी कड़ी में गुरु रविदास विश्व महापीठ के बैनर तले तमाम सामाजिक संगठनों ने भी वंदना कटारिया का स्वागत किया। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रमुख विधायक सुरेश राठौर ने कहा है कि वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर हरिद्वार के साथ साथ अपने समाज का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। कार्यक्रम में समाज सेवी और ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन मुनीश सैनी, उद्योगपति हरेंद्र गर्ग समेत कई संगठन के लोग मौजूद रहे और वंदना कटारिया को शुभकामनाएं भी दी हैं। आवास की व्यवस्था के लिए हमने कह दिया है, वंदनाबाद की बिटिया थी, आज पूरे देश की बिटिया है। ये महिलाओं के प्रति, बिटिया के प्रति सम्मान है और जो भी सुख सुविधाएं होंगी जो अन्य सरकारों की तरह है वो उत्तराखंड में भी हमारी सरकार देगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाकर वंदना कटारिया के घर पर उसका अभिनंदन करके आए, अरविंद पांडे जी अभिनंदन करके आए, मैं स्वयं गया उसके घर पे और सब लोग उसके घर पर जाकर अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमारे गौरव, हमारे लिए गौरव की बात है। पूछे पूरी मुस्तैदी के साथ में उत्तराखंड के अंदर विकास की दृष्टि से जो जो हमारे खेलने के मैदान हैं उनको विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ जहाँ हमारे स्टेडियम बने उनको भी अत्याधुनिक बनाया जाना चाहिए और वहाँ पर कोचों की व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ाना।
सबको हॉकी को दिल से मैं अभी बहुत अच्छी पॉलिसी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई है तो बहुत ज्यादा अच्छी है। आने वाले टाइम में ये है कि जो यहाँ से काफी प्लेयर्स निकलेंगे उनके लिए और ज्यादा यही है कि मैं खुद भी एक प्लेयर हूँ और मैं खेल रही हूँ तो अभी उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है मुझे लगता है वो काफी अच्छी है। देहरादून में 15 अगस्त को देश के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से राज्य के सभी 252 मंडल में दौड़ का आयोजन किया जाएगा। ये रैली दौड़ 75 किलोमीटर की होगी। ये जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जोशी ने दी है। नेहा ने बताया कि इसी कार्यक्रम में पार्टी के सभी मंडलों से 75 लोग दौड़ में शामिल होंगे। इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं NCC तमाम संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रीय गान के साथ किया जाएगा और समापन आजादी से जुड़े महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानी को याद कर किया जाएगा। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। तो 252 मंडल में दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा। साथ ही साथ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। राष्ट्र एकता का, राष्ट्र निर्माण का जो संदेश है उससे जोड़कर हम संगठन को और बढ़ा सकें तो यही कोशिश इस कार्यक्रम के द्वारा भी की जा रही है। जो राष्ट्रगान गाने का एक कार्यक्रम इसमें रखा गया है। हर मंडल स्तर पर कम से कम 75 लोग इकट्ठा होकर उस दिन ये कार्यक्रम करेंगे और पूरे देश में जब कार्यक्रम होगा तो कोशिश की जाएगी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका हमें कीर्तिमान। देहरादून में पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे पढ़ाने के मामले में सरकार के रवैये से युवा कांग्रेस नाराज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले लिखे गए पत्रों की प्रतियां जलाकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चमोली ने कहा है कि ग्रेड पे के मुद्दे पर सरकार की तरफ से गठित कमेटी का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार की तरफ से गठित कमेटी जल्द निर्णय नहीं लेगी तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो सरकार के रवैये से युवा कांग्रेस नाराज है। इसकी बानगी इस तस्वीरों में देखी जा सकती है। कार्यकर्ताओं ने प्रांतियां जलाकर प्रदर्शन किया है। कुछ प्रतियां नहीं, मैं आपको ज्ञात करना चाहूँ, ये वो पत्र हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधायक रहते हुए, उनको तब पुलिस की मांग एकदम जायज लगती थी, उन्होंने पत्र लिखा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, तीरथ सिंह रावत जी को, कि पुलिस का वेतनमान सुचारू किया जाए और तत्काल प्रभाव से इसको बढ़ा दिया जाए जिससे कि उत्तराखंड में कानूनी व्यवस्था सही सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन अब जब वो स्वयं मुख्यमंत्री बने तो उनके द्वारा कमेटी के जो ढकोसला, जो छलावा उत्तराखंड पुलिस के हमारे भाइयों के साथियों के साथ किया जा रहा है, इसका उत्तराखंड यूथ कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर तत्काल प्रभाव से पुलिस की ये मांग मानी नहीं गई तो मैं स्वयं जो इस कमेटी के अध्यक्ष सुबोध उनियाल हैं उनके आवास के आगे अमरण अनशन करूंगा और अमरण अनशन पे तब तक पूरी युवा कांग्रेस बैठी रहेगी जब तक पुलिस की मांग मानी नहीं जाती। जय। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने अपने नेता दीपक बाली को काशीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी घोषित किया है। उनके प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां भी बनी रहेंगी। इस नई घोषणा से लगभग तय हो गया है कि वो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में काशीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाली को विधानसभा प्रभारी घोषित किए जाने पर काशीपुर क्षेत्र के आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए बाली को फूलमाला पहनाकर शुभकामना दी है। दीपक बाली ने अपने इस नई जिम्मेदारी के लिए कहा है कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे। जहां एक ओर बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर कई घोषणाएं करना तो दूर उल्टे अपने आंतरिक झगड़ों में फंसी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी इन पार्टियों से लगातार 4 कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। तो दीपक बाली विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखने के लिए मिल रही है। देखिए ऐसा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 10 टिकट क्लियर हो गए या कुछ है। अभी जो पद दिए गए हैं 10 लोगों को, वो विधानसभा के साथ साथ उनको विधानसभा प्रभारी जो बनाया गया है, और प्रभारी जो बने हैं वो उसी विधानसभा से आते हैं। इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये विधानसभा प्रभारी जो है उनके टिकट क्लियर हो गए हैं। पार्टी ने अपने संगठन को
उस विधानसभा में और मजबूती से खड़ा करने के लिए, मजबूती से चलाने के लिए और पार्टी के कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये 10 लोगों को अभी जिम्मेदारी दी है और भविष्य में इसी तरीके से हर विधानसभा में ये जिम्मेदारियां मिलती चली जाएंगी, जिससे कि 2022 में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अब तय हो चुका है उस पर आखिरी मोहर लग जाए और जनता के सामने वो लोग अपने आप को भी लेकर जाएं और अपने कार्यक्रमों को लेकर जाएं, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जाएं। देखिए जो प्रत्याशी है, पहले दिन से ये कहा जा रहा है हमारे प्रभारी दिनेश भोनिया जी के द्वारा कि कम से कम 3 से 4 महीने पहले लगभग हम सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे, जिससे कि जनता के बीच में जाकर उन्हें उनकी समस्याएं और समाधान पर काम करने का मौका मिल सके। जो केजरीवाल जी का प्रोग्राम है वो 17 तारीख का प्रोग्राम है, इसी 17 अगस्त का, जिसमें वो एक बार फिर से देहरादून आ रहे हैं और उसके बाद जल्द ही जो उनका अगला कार्यक्रम होगा वो कुमाऊं में होगा। हाँ, मतलब जनता की तकलीफों को सुनने के लिए तो आम आदमी पार्टी काफ़ी देर से काम कर ही रही है और अब वो चुनावी बिगुल तो बहुत पहले वो बजा चुकी है और जन जन तक अब पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अब आप इसे चुनावी मोड कह सकते हैं और हम इसे ये कहेंगे कि 2022 में जो सरकार बनानी है उसके लिए तत्परता से एक एक कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहा है। हमारे प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी ने हर 10 विधानसभा प्रभारी नियुक्त की है, जिसमें काशीपुर से हमारे विधानसभा प्रभारी श्री हमारे नेता दीपक बाली जी को नियुक्त किया गया। उसी के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अभी उनका स्वागत करेंगे और सब में बहुत ही खुशी है और आगे की रणनीति तय करेंगे। रुड़की विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी अब शुरू हो गए हैं। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेकर बीजेपी की विफलताओं को बखान करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। ताजा मामला मंगलौर विधानसभा का है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक अनोखे प्रदर्शन के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेसियों ने NH-58 पर दूरबीन के जरिए हरिद्वार सांसद की तलाश की और लापता को ढूंढने वाले को 1 क्विंटल लड्डू देने वाले बैनर लिखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी की नीतियों पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि रुड़की के मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड पर बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने दूरबीन से सांसद को NH-58 हाईवे पर ढूंढते हुए ये प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कोई आदमी नहीं, कोई जनता करना नहीं चाहती है। आज जनता को पेट भरने अपने भारी हो रहे हैं, बच्चों को पालना उनको पढ़ाना भारी हो रहा है। इन लोगों का कहना था कि कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा है फिर रखेंगे फीस, लेकिन कोई स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब कॉन्वेंट स्कूल जो है वो फीस ले रहे हैं। आज जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मैं बहुत पहले से मीडिया के माध्यम से कहता था कि एक दिन आएगा कि सरकार इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और वो टाइम आ चुका है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तक इस उत्तराखंड को तब से हरीश रावत जी गए, हमारी सरकार गई तब से, क्या आपको पता है कि प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है? बताइए आप, क्या लगता है हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री विहीन, हमारा जिला MP विहीन, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम समस्या लेकर जाए तो जाए कहाँ? अफसर शाही, डिक्टेटर शाही, आज जनता जो है वो तराई तराई है। लोकसभा में OBC विधेयक पास होने पर पूर्वोत्तर रेलवे के सदस्य और देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष बीजेपी नेता विकास शर्मा के कार्यालय में OBC मोर्चा की तरफ से मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता विकास शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार ने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्ग की भावनाओं का सम्मान किया। बीजेपी लोकसभा में OBC विधेयक पारित होना OBC समाज के लिए बड़ा कदम है, इससे OBC समाज में खुशी की लहर है। उन्होंने OBC समाज को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन का आभार जताया। बीजेपी नेता ने कहा है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के अध्याय पर लगातार काम कर रही है। बीजेपी सरकार में सभी वर्गों के हित सुरक्षित हैं। बीजेपी सरकार ने हमेशा जनहितों को सबसे ऊपर मानकर काम किया। OBC विधेयक लोकसभा में पारित होने से इसके सार्थक परिणाम सामने आते हुए नजर आएंगे। तो PM ने पिछड़े वर्ग की भावनाओं का सम्मान किया है, ऐसा कहते हुए नजर आए OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। रुद्रपुर में भाजपा नेता विकास शर्मा ने ये बातें कही हैं, साथ ही साथ मिठाइयां बांटकर खुशी भी जाहिर की है। हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि
कि जो उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया है, जो ओबीसी समाज की एक लंबे समय से मांग थी, उन्होंने उस मांग को जो पूरा किया है। आज मेरे कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के सारे कार्यकर्ता भाई मुकेश पाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं और इन सब लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिनके मार्गदर्शन में सब समाज के लोगों को लेकर चला जा रहा है, सारे समाज के लोगों की चिंता की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारा ओबीसी समाज है जो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहा था, लोग खाली वादे करते थे, लेकिन आज जो इस बिल को उन्होंने पास किया है इसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो अंत्योदय का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी इससे कहीं ना कहीं पूर्ण होगा। लालकुआ में 18 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यहां लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में होने वाली रैली कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले 18 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का प्रदेश दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने नैनीताल सांसद अजय भट्ट पर विश्वास जताते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उत्तराखंड वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो अजय भट्ट के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बैठक कर तैयार की जा रही है कार्यक्रम की रूपरेखा। पूरी ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चुनाव लड़ने तक, चुनाव के रिजल्ट आने तक, परिणाम आने तक कोई भी व्यक्ति विधायक बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री या सपने ले सकता है। तो कांग्रेस सपने ले रही है, लेने दीजिए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से आ रही है, और क्योंकि गरीब जनता से सरोकार भारतीय जनता पार्टी रखती है। कांग्रेस में जो दलाली करते हैं लोग, जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, उस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में वो प्रथा नहीं है, इसलिए सीधे सीधे जनता को उसका लाभ मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के जनता के हित में बनना बहुत जरूरी है। हमारे कोई खानदानी मुख्यमंत्री नहीं बनते, हमारे प्रधानमंत्री हमारे खानदान से बन करके पैदा नहीं होते हैं। या किसी सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सांसद और विधायक बना सकते हैं, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य है, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आने दी, कार्य में कोई बाधा नहीं आई है। हम 10 मुख्यमंत्री बदले ना बदले, यहाँ वो घोटाले नहीं हो रहे ना, वो नहीं कह रहे हैं मैं मुँह क्यों, मेरे को समर्थन कर दो, मैं मुँह घुमाऊंगा और आप लूट मचाना, ऐसा तो हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं करने वाला, कोई कार्यकर्ता नहीं करने वाला। इसलिए कि जनता को किसी को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है सिर्फ कांग्रेस को, क्या कह करके हम चुनाव प्रचार में जाएंगे, तुमको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट परिसर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि मोबाइल ई कोर्ट का शुभारंभ 15 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ई कोर्ट प्रथम चरण में उत्तराखंड के 5 जिलों पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली जिलों में शुरू होगा। आने वाले 15 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ई कोर्ट मोबाइल वैन को हाईकोर्ट परिसर से रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे और वाहन उपलब्ध होंगे वैसे वैसे उत्तराखंड के सभी जिलों में मोबाइल ई कोर्ट शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों के मुकदमों के जल्द निस्तारण में ये अहम कदम होगा। उन्होंने कहा कि दहेज, छेड़छाड़, दुष्कर्म और अन्य वादों में महिला, बच्चे, वृद्ध चिकित्सकों को अदालत पहुँचने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से न्याय मिलने में ज्यादा समय लग जाता था। जल्द न्याय के सिद्धांत को हकीकत में बदलने के लिए मोबाइल कोर्ट का संचालन मुख्य न्यायाधीश की विशेष पहल है। इससे गवाहों के साथ ही न्यायालय का भी समय बचता हुआ नजर आएगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 3 धारा के पास एक ट्रक में ड्राइवर ने क्षिप्त महिला से दुष्कर्म किया। स्थानीय लोगों ने यह नजारा देखा तो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्राइवर की पहचान राजेश निवासी बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक में सामान भरकर ऋषिकेश से चमोली जा रहा था। इस दौरान रास्ते में महिला ने ट्रक को रोककर लिफ्ट मांगी, जिसके बाद ड्राइवर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
आज प्रातः 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक विक्षित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है। तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ दो व्यक्ति थे लेकिन वो लोग नीचे ही थे, तो लोगों में रोष व्याप्ता। उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की उनके साथ में कि भाई आपने गलत काम किया है। इस संबंध में जांच की तो पता चला कि ये ट्रक जो है कोयलता लेकर के दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था और इन्होंने भरपूर में किसी विक्षित महिला है जिन्होंने इनको हाथ दिया और उन्होंने रोक कर उसको बिठाया गाड़ी में, तो उनकी नीयत कुछ गलत थी इस प्रकार की। तो स्थानीय लोगों ने देखा कि इस संबंध में उसके पिताजी ने थाने पर एक तहरीर भी दी है, उसमें दोनों पंजीकृत कर दिया गया है और उसकी जाँच जारी है, विवेचना प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी के पास गंगा किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में एक बच्चे का शव मिला है। बच्चे के गले में रस्सी भी बंधी हुई है जिसके बाद उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को गंगा से बाहर निकालकर एम्स की मॉर्चरी में सुरक्षित रख दिया। बच्चे की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में भी बच्चे के शव की जानकारी भेज दी है। पुलिस के अनुसार बच्चा गंगा के बहाव में कहीं दूर से बहकर ऋषिकेश पहुंचा लेकिन गले में बंधी हुई रस्सी का माजरा फिलहाल अभी अनसुलझा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की मौत के साफ कारण पता चल पाएंगे। एहतियात के तौर पर पुलिस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी सुरक्षित रख रही है। हाँ, मैं यहाँ पे जंगल में चौकीदार हूँ, तो यहाँ से बिल्डिंग वालों का जो चौकीदार है उसने मेरे को बताया कि एक बॉडी जो है हमारे नीचे गंगा जी में फंसी है, तो उसको देखने के लिए फिर पार्क वाले भी आए, पार्क वालों को भी सूचना दी गई, तो रेंजर साहब वगैरह भी वहाँ के आए हुए थे, इसको देखा, तो फिर इसके बाद जो है पुलिस को सूचना दे दी गई है। अभी तक पुलिस पहुँची नहीं है फिलहाल, ये तो पोस्टमार्टम या पुलिस ही बता पाएगी सही से। हम तो जितना देखा उतना बता सकते हैं कि ये बच्चे की बॉडी है जो कि यहाँ तैर रही है, इसके गले में जो है रस्सी बंधी हुई है। उत्तरकाशी में अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौकी टुंडा थाना कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से आमजन की सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग अभियान चलाते हुए रुणवासा शनि मंदिर के पास गाड़ी में सवार दो व्यक्तियों विनोद नोटिया संदीप ढालवा के कब्जे से करीब 5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चौकी टुंडा थाना कोतवाली उत्तरकाशी में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। तो दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला नशे का कारोबार करने वालों को लेकर था जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, वाहनों की भी सघन चेकिंग की जा रही है। हरिद्वार के थाना बुग्गावाला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करीब 2500 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में हुई डकैती में नामी बदमाश शामिल था। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आरिफ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में लूट डकैती और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को जेल भेज दिया है। ये जो है थाना बादराबाद में जो पंजीकृत अपराध है 197/21 जो डकैती का मुद्दा था उसमें एक मुख्य अभियुक्त जुमाल उर्फ शमी पुत्र रफीक ये वांछित चल रहा था। अभी हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का आदेश के अनुसार जो है इस महीने में हम ऑपरेशन क्रेम ड्राइव चला रहा है। इसमें जो है जो भी हमारा जनपद से संबंधित वांछित अपराधी इनाम अपराधी के ऊपर हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें थाना बुग्गा वाला का जो है अच्छा सफलता मिली। उसमें जो है आज हमने उनको गिरफ्तार किया है, जो वांछित इनामी अपराधी है उनको हमने गिरफ्तार करके जो है उनको माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेज रहे हैं। इनके ऊपर लगभग 9 मुकदमा जनपद सहारनपुर में पंजीकृत है और इसमें गंभीर संगीन धाराओं पर जो है मुकदमा पंजीकृत है 395, 307, 392 पंजीकृत है और बाकी एयर अभियुक्त इसमें शेष है उसको भी तलाशी कार्रवाई। और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।